किसानों, आज हम आयोडीन युक्त नमक की चर्चा करेंगे। आयोडीन की कमी से गले का घेंगा रोग, शरीर व दिमाग की कई बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें रोकना है। आयोडीन बच्चों, हम सभी के लिए जरूरी है और इसकी पूर्ति आयोडीन युक्त नमक से हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक और साधारण नमक की कीमत फर्क मामूली सा, और फायदा आयोडीन युक्त नमक तो अनमोल है, अनमोल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान का ध्यान तो रखती है ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य सवार। सवारी जिंदगी, चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स, जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा। मेरिट का मीन स्कॉलरशिप, भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी मंजिल। गुड इवनिंग इंडिया के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। शुक्रवार का गुड इवनिंग इंडिया समर्पित है कला और संस्कृति जगत को। ये आईना है कला और संस्कृति जगत का, और इस शुक्रवार के अंक में हम आपके लिए लाते हैं नृत्य, संगीत, कला और रंगमंच की दुनिया की खबरें, और मिलवाते हैं आपको इस दुनिया की नामचीन हस्तियों से। साथ ही समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को अदा करते हुए हम आपके लिए लाते हैं ऐसी भी खबरें जो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार द्वारा किए गए उन कार्यों के विषय में हैं जो समाज को एक बेहतर समाज बनाने में सहायक हैं। और इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा कदम है हमारा गुड इवनिंग इंडिया का अगला एपिसोड, जहां हम बात करेंगे सरकार की योजनाओं की जो हमारे और आपके जीवन को और कल्याणकारी बनाने में मददगार साबित होंगी। तो ज़रूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड और जानते हैं कि किस तरह से सरकार की ये योजनाएं हमारे और आपके जीवन के लिए लाभदायक हैं। देखते हैं किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है इन योजनाओं का और किस तरह से ये योजनाएं हमारे लिए लाभ साबित हो रही हैं। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जो कला, सौंदर्य, दक्षता और प्रतिभा की प्रतिमूर्ति है। जी हाँ, लय ताल पंजाब से अलंकृत, मैं कहूँ तो सम अलंकृत एक ऐसी हस्ती कथक नृत्यांगना मनीषा ज्ञानी जी से। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पर उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं आपके जीवन के कुछ दृश्य। एक स्याही का निशान संवार सकता है आपकी तकदीर, ठान बनाता है समृद्ध देश की तस्वीर। स्याही का एक निशान करता है फैसला हम सबके भविष्य का। सिर्फ अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है ये निशान। आपकी ताकत है ये निशान।
निर्भय होकर करें मतदान, जागदाता मजबूत लोकतंत्र। बातचीत की शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे मनीषा जी के जीवन के कुछ अंश पर दिल्ली वासियों के लिए। खासकर हम आपको याद दिला दें कि 23 अप्रैल का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 23 अप्रैल को दिल्ली में है दिल्ली नगर निगम के चुनाव और हम सबको अपने मताधिकार का यूज करना है और हमें अपना मतदान देना है। चलिए बातचीत जारी रखेंगे मनीषा जी से। मनीषा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी नृत्य के परिवार से आती हैं, या फिर अगर नहीं आती तो इसका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? बिल्कुल जी नहीं, मैं किसी भी नृत्य परिवार से या सांगीतिक परिवार से नहीं हूँ। बचपन में जैसे सभी बच्चे डांस करते हैं, आई वॉज़ वन ऑफ देम। और छोटी सी थी तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि मैं शायद अगर इसका ट्रेनिंग लूँ तो बेहतर कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा जयपुर कथक केंद्र में दाखिला दिलवाया। आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी। अच्छा। और जयपुर कथक केंद्र में मेरा कथक सीखने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। और वहीं पर जो मेरे गुरु हैं पंडित गिरधारी महाराज जी, उनके सानिध्य में मैंने नृत्य को सीखा, उसको उसकी गहराई को समझा और फिर धीरे धीरे बटोरते हुए आगे बढ़ती चली गई। तो वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि डांस को ही मुझे अपना करियर बनाना है, मेरा जीवन डांस के लिए ही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रियलाइजेशन मुझे बहुत बाद में हुआ है। मैं जब बचपन में डांस करती थी और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग होती गई और मौके मिलते गए तो मुझे बहुत लोग कहा करते थे कि आप डांस के लिए बनी हैं और आपको डांस करना चाहिए। मुझे ये कभी रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन जब लोग बोलते थे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, ओके फाइन मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और वो मैं करती रही। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही कहा कि यू आर मेंट फॉर, मतलब तुम्हें डांस बनी हो और तुम्हें डांस करना है एंड यू प्लीज़ कंटिन्यू। फिर मैं कंटिन्यू करती गई और कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा होता है कि आप किसी कला के पीछे आप उसको चेज करते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि अब आप उसको आगे लेके जाने वाले हैं या अब आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो फ्यू ईयर्स, आई मीन मुझे कहना चाहिए शायद 4-5 साल या 6-7 साल पहले मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं डांस के लिए बनी हूँ और बस अभी इसी का साथ निभाना है। तो आपके लिए डांस क्या है? क्या सभी को डांस करना चाहिए? डांस तो सब करते हैं आप देखिए। यस ऑफ कोर्स, पर लोग ऐसा कहते हैं आई हैव गॉट टू लेफ्ट फीट आई कांट डांस। देखिए डांस अगर हम सिर्फ बॉडी स्पेसिफिक सोचे तो डांस स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट है, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स, सन मून सब कुछ एक फिक्स्ड गति में सब नृत्य कर रहे हैं, प्रकृति नृत्य कर रही है, हम इतने सारे मूवमेंट्स करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वी ऑल आर डांसिंग। तो मुझे लगता है डांसर्स तो हम सब हैं, लेकिन जब हम उसे एक कोई स्पेसिफिक यू नो स्ट्रक्चर रूप दे देते हैं तब हम उसे कहते हैं डांस। सो आई गेस वी ऑल आर डांसर, इट्स जस्ट दैट कि हम थोड़ा सा उसको पॉलिश्ड वे में, रिफाइंड वे में अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा उसको प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज आई गेस डांस इज एवरीवेयर। तो कला और आध्यात्मिकता का क्या संबंध है आपके अपने शब्दों में? फॉर मी कला और आध्यात्मिकता, मैं जितना समझती हूँ आध्यात्मिकता मेरे लिए है टू डिस्कवर योर इनर सेल्फ। और मुझे लगता है डांस एक ऐसी कला है जिसमें आप अपने नाखून से लेके बाल से लेके शरीर के हर अंग को डिस्कवर करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे और उसका सीधा ताल्लुक होता है आपके इनर सेल्फ से। तो आप जितना डांस में आगे बढ़ते चले जाते हैं स्पेशली क्लासिकल आर्ट्स में, क्योंकि हमारा इंडियन क्लासिकल आर्ट तो है ही आध्यात्मिकता उसका बेस है, टेम्पल आर्ट्स रहा है, तो दिस इज डायरेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जब मैं नृत्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ कहीं किसी सुप्रीम पावर से एंड इट्स अ फैक्ट, तो दैट्स द ब्यूटी एंड इट्स वेरी वेरी वेल कनेक्टेड। आप योग और मेडिटेशन से भी जुड़ी हुई हैं जी, तो क्या ये किसी तरह से हेल्पफुल है आपके डांस में या आपके डांस को और इम्प्रूव करने में? यस एब्सोल्युटली। आपको क्योंकि देखिए मैं कथक करती हूँ और हर डांस के अपने बहुत सारे आयाम हैं, तो बीइंग अ कथक डांसर, जैसे कथक डांस जो है वो टू डायमेंशनल है, इट्स नॉट थ्री डायमेंशनल। तो बीइंग अ डांसर जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान बना है अपनी कला का साथ निभाने के लिए। फॉर मी ये मेरे लिए बरसों से चल रहा है तो मेरी आदत बन चुका है,
तो आई गेस यस इट मेक्स यू अ बेटर डांसर एंड अ बेटर पर्सन ऑफ कोर्स. हम आपके नृत्य के सफ़र की अगर बात करें तो क्या इस सफ़र में कहीं उतार चढ़ाव भी आए? बहुत सारे. हाँ जी बिल्कुल. कहीं ऐसा भी लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है? इंटरेस्टिंग है, मतलब डांस मैंने फॉर्चुनेटली मेरा कभी ब्रेक नहीं हुआ. मैंने हमेशा इसे कंटिन्यू करा है और आई गेस डांसर एज अ डांसर आप मेंटेन तभी कर पाते हैं जब आप कांस्टेंट बने रहते हैं या कंसिस्टेंसी रहती है आप में. मेरा जब बेटा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी एंड आई वॉज ऑलमोस्ट 82 kgs एट दैट टाइम. तो मुझे लगा था कि अब तो डांस संभव नहीं है बिल्कुल भी. और अचानक से मेरे जो गुरु जी हैं उनका मेरे पास फ़ोन कॉल आया कि मनीषा तुम्हें इस समारोह में परफॉर्म करना है जो एक महीने बाद है. तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे देखा नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि मैं डांस कर सकती हूँ. तो वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इतनी मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया होगा या मेरी इतनी बुरी हालत होगी. तो यू जस्ट कम, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, फाइनलाइज कर दिया एंड यू हैव टू डू इट. मैंने कहा ठीक है. मैं अगले दिन पहुंच गई रियाज के लिए. जब वहां गई तो वो मुझे देख के चौंक गए एंड ही सेड तुम एक काम करो, तुम बस 15 दिन रियाज करो और उसके बाद देखते हैं क्या होता है. एंड आफ्टर दैट आई गेस आफ्टर दोज 30 days आई वॉज बैक टू माई ओरिजिनल शेप. 30 days जी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 6-6 घंटे रोज रियाज करवाया है. और उसके बाद से फिर जो शुरू हुआ वो कभी ख़त्म नहीं हुआ. एंड आई गेस इसका पूरा सपोर्ट जाता है मेरी फैमिली को जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है और सपोर्ट किया है दैट यू जस्ट कैरी ऑन एंड वी आर देयर फॉर यू. अमूमन ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब वो अपना करियर अपने घर में गृहस्थी के लिए बच्चों के लिए कहीं ना कहीं त्याग देती है. बिल्कुल. या नहीं आगे परस्यू कर पाती. तो एक स्त्री के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपना पहचान बनाए? देखिए आई गेस इट्स वेरी ये बहुत ही मुझे लगता है सब्जेक्टिव है. क्योंकि आपकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और आपके अपने एम्बिशंस होते हैं. कई लोगों को सिर्फ अपने घर गृहस्थी में ही सुख मिलता है, कई को अपने कला मिलता है. सो फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको सुख मिलता है और जहाँ आप खींचे चले जाते हैं. लाइक मैं खुद बहुत मुझे बहुत घर में रहना पसंद है, गृहस्थी बहुत पसंद है. तो उसके साथ बैलेंस करना, अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को सेट करना और कला के साथ पूरा न्याय करना जो बहुत मुश्किल होता है और लोगों को उस स्टेज पे जाके डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि वो शायद उस आगे कंटिन्यू करते हैं या उसका साथ छोड़ते हैं. तो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ चैलेंज ईच एंड एवरी टाइम कि आप कैसे उसके साथ आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं. आपने नेशनल और इंटरनेशनल कई स्टेजेस पे अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको जब भी आप सोचती हैं तो आपका मन आह्लादित हो जाता है? यस आई रिमेंबर द परफॉर्मेंस. स्विट्जरलैंड में मैं परफॉर्म कर रही थी और हम लोग एक सूफी प्रोजेक्ट कर रहे थे. उस दौरान जब मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो ऑडियंस जो थी वो 10 मिनट तक परफॉर्मेंस के बाद चुपचाप बैठी हुई थी. आई मीन इट वॉज ऑल प्योर साइलेंस. मैं स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करके बैठी थी और पूरा ऑडियंस बैठी हुई थी एंड 10 मिनट्स तक इट वॉज कम्प्लीट साइलेंस. तो वो एक डिवाइन सक्सेस जब किसी परफॉर्मेंस का होता है तो मुझे उस दिन वो एहसास हुआ था. क्योंकि उन्होंने बाद में जो उनके रिव्यूज़ आए उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कॉम्पोजिशंस पे परफॉर्म किया उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बट दे कुड फील उसका जो एसेंस था वो उसको महसूस कर सकते थे एंड दे वर इन टीयर्स. सो आई गेस दैट्स वेरी मेरे लिए वो बहुत ही क्लोज है. और मुझे लगता है कि डांस के लिए जो कहा जाता है कि वो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है कि आप बिना कुछ कहे अपना दिल सामने वाले को तक आप पहुँचा देते हैं. तो मैंने वो महसूस किया और साक्षात उसको उसका प्रमाण देखा. तो जैसे कहा जाता है कि डांसर्स आर ऑफन इन सिंक विद द क्रिएशन, आप मानती हैं इस बात को? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस. स्पेशली इंडियन हमारा इंडियन क्लासिकल डांस या कथक, क्योंकि ये पूरी तरह से समय पर आधारित है. ताल और लय के साथ हम चलते हैं जिसमें पूरी प्रकृति उसी प्रकार से उसका नियम है. तो यस दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक अच्छे डांसर की किसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं या किस तरह से रियाज करना होता है? मुझे लगता है कि समय के साथ आप खुद एक्सप्लोर करते हैं. शुरू में तो आपके जो भी गुरु हैं, क्योंकि एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है,
उनके आप शरण में आप सीखते जाते हैं और वो जैसे जैसे आपको टेक्निकली गाइड करते हैं आप वो फॉलो करते हैं. बट आफ्टर जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं खुद एज एन आर्टिस्ट और एज अ डांसर, तो आपको खुद, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबका अंग अलग है, तो सबके रियाज करने का तरीका भी अलग है, तो आप उसको खुद एक्सप्लोर करते हैं कि आपको कहाँ कैसे जाना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है. सो अगेन आई गेस इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आप कैसे करते हैं, बट यस, आपको रेगुलर होना होता है, कॉन्स्टेंट होना होता है, पकड़ है उसका ध्यान रखना होता है. और स्पेशली कथक में फुटवर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो उसका रियाज बहुत ज़रूरी है. अब आप कथक के इस क्षेत्र में कई सालों से जुड़ी हुई हैं और आप इस पर काम कर रही हैं, तो कैसे बदलाव आए हैं, क्या आप कोई बदलाव देखती हैं जो कथक का जो स्टेज है, मतलब उस डांस का जो फॉर्म है उसमें, या फिर जैसे लोग उसे ग्रहण करते हैं उसमें, क्या आप कोई बदलाव देखती हैं? देखिए, इट्स अ क्लासिकल आर्ट और कथक हमेशा से ही, जब कुछ कुछ क्लासिकल है तो उसमें परंपराओं में ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं. वो पहले मंदिरों से मुगल काल में आया, दरबारों में आया, दरबारों से ब्रिटिशर्स ने उसको एक अलग रंग दिया, फिर अब वो मंचीय कला है. तो परिवर्तन तो मुझे लगता है संसार नियम है और किसी भी क्लासिकल आर्ट की खूबसूरती भी उसी के साथ आगे बनती है. तो मुझे येस ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं. और कथक की खास बात है उसका उपज अंग, इम्प्रोवाइजेशन. आप उसमें जितना जितना ज़्यादा वो असीमित है उसमें उतने ही विस्तार की संभावना है. तो सब अपने विचार को उसमें जोड़ते चले जाते हैं और उसको एक नई दिशा और एक नया देते चले जाते हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी. आप जितने कथक डांसर्स को देखेंगे आप देखेंगे कि हर कोई अलग है और हर किसी में अपना खुद का एक रंग है और उसकी खूबसूरती है. आपने कई नेशनल इंटरनेशनल स्टेजेस पे परफॉर्म किया है और कई आपको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो ऐसे में सफलता की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है सफलता आपको जब अच्छा लगता है कि आप कला के पूरी तरह से न्याय कर रहे हैं तो आप सफल हैं. जब आपके गुरु आपके साथ संतुष्ट हैं आप जो कर रहे हैं तो आप सफल हैं. क्योंकि ऑडियंस में तो आपको हर तरह के रसिक, हर तरह के लोग मिलेंगे, बट व्हेन यू आर सेटिस्फाइड एज अ डांसर एंड योर गुरु इज सेटिस्फाइड, देन आई गेस यू आर सक्सेस. अगर आप कवित्व भाव को प्रदर्शित करके दिखा सके कुछ मुद्राओं के माध्यम से हमारे जयपुर घराने का बहुत खास अंग है और एक छोटा सा है और मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो करती हूँ. धाधिन धिंदा धाधिन धिंदा तिन तिन ता धाधिन ठुमक चलक गति रुनक झुनक पद चाप चपल चंचल चपलासी हाव भाव धौ कमा हर कर प्रहार कर पकर प्रीत की रीत लिए गति रुनक झुनक ध्वनि चमक चमक छन छन छुम छुम छन नन घूम घूम छन तिगदा दिग दिग थे 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 ता. वाह, क्या बात है. आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बातचीत हो और आपने अपना समय निकाला, आप यहाँ आई, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सत्यप्रिया जी. थैंक यू. कला जहाँ एक ओर मनोरंजन का साधन है, स्वयं का मनोरंजन और दूसरे के मनोरंजन का, वहीं दूसरी ओर कला का एक बहुत अभिन्न अंग है समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का. जी हाँ, कला का समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करने में और समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लड़ाई करने में. जी हाँ, इसी भाव से हाल ही में आयोजन हुआ नुक्कड़ नाटक का जज्बा थिएटर ग्रुप के द्वारा. आइए देखते हैं इसके कुछ अंश जो हम तक ला रही हैं मेरी सहयोगी नीति शुक्ला.